यस, 1 लाख लोगों की मौत, 1 लाख लोगों की मौत सालाना एक बैक्टीरिया के कारण, वो है विब्रियो कॉलरी। ये जो विब्रियो कॉलरी है, ये कॉलेरा को कर सकता है, मतलब करता है, जो एक सीवियर डायरिया। इसमें क्या होता है, एक सीवियर डायरिया होता है। एंड ये जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है, ये रॉड से बैक्टीरिया के अंदर ही पड़ता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे दिखता है, वो आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देख लेते हैं विब्रियो जो कॉलरी, उसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं, कैसा दिखता है। तो बेसिकली ये एक रॉड शेप्ड सेल है, पर इसके एक पार्ट में, एक साइड में एक पूंछ जैसा आपको दिख रहा है, ये है हमारा फ्लाजेलम। क्या है यह है फ्लाजेलम, जो बैक्टीरिया को आगे प्रोपेल करने के लिए, आगे ढकलने के लिए, आगे चलने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऑलरेडी हम उसके बारे में जानते हैं, लाइक सेल वॉल, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और नेक्स्ट जो है हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डीएनए। कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेन्यूल्स हो, उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, मस्ट प्रेजेंट होगा। उसकी वजह से ही उसका जो आगे का जनरेशन है, आगे का जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यू होता है। तो इसमें क्या रहता है, डीएनए। अभी ये छोटा 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 आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, ये है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। हम जानते हैं राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये राइबोसोम की वजह से ही कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसका फंक्शंस चलने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन ही हमारा जो सेल साइकिल है, पूरा सेल का जो रेगुलेशन है, वो कंट्रोल करता है, और इसके लिए राइबोसोम तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना होगा कि कौन कौन ऑर्गेनल्स है जो हमें, हमारी सेल में है, और ये जो बैक्टीरिया का जो सेल है इसमें मिसिंग है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।